आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, क्या लगता है कि एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब मार्केट पर आने वाले टाइम में? क्योंकि अभी जो फियर रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि एआई सब कुछ टेक ओवर करता चला जा रहा है या टेक ओवर कर लेगा, क्या इम्पैक्ट दिखता है एआई का? बिल्कुल कहीं ना कहीं एक लेजिट फियर है एआई का. लाइक चैट जीपीटी अब तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट सर्विस रही है क्योंकि काफ़ी कैपेबल है ये. बट हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंड में इट्स अ टेक्स्ट प्रिडिक्टर. उसको सिर्फ ये पता है कि इस क्वेश्चन के बेस पे इस वर्ड के बाद ये वाला वर्ड आना चाहिए. इट्स नॉट एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स अ टेक्स्ट प्रिडिक्टर. बट समहाउ इतना अच्छा ये काम कर रही है कि काफ़ी बार नहीं, आप कह रहे हैं इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जी. तो काफ़ी पुराना टेक है ये जिसमें आप एक टेक्स्ट प्रिडिक्टर की तरह इसको यूज करते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर बेस्ड. बिल्कुल. तो हमारे पास कुछ वेट्स रहते हैं जो कि एडजस्ट होते रहते हैं जब तक कि हमारा सेंटेंस पढ़ने में ठीक नहीं लगता. तो इट्स मोर अबाउट कि सेंटेंस पढ़ने में कैसा है देन ओके फैक्चुअल एक्यूरेसी. उसको ही समझने की कोशिश करता है और उसके बेसिस पर जजमेंट लेता है बेसिकली. बिल्कुल. तो अभी तो इंटीग्रेशंस आ चुकी हैं चैट जीपीटी में. इंटीग्रेशन जब नहीं थी, जब मैथ्स वगैरह ये नहीं सॉल्व कर पाता था, तो बहुत एरर्स इसके अंदर आते थे. हमने भी काफ़ी इसको लॉजिकल प्रॉब्लम्स दी जो कि जिन पे इंपॉर्टेंट. ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सुधरता चला जाएगा तो जॉब मार्केट पे इसका इम्पैक्ट तो 100% आएगा ही ना. इस चीज़ में इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसे लॉयर्स हैं जिनको निकाला गया क्योंकि वो पकड़े गए कि वो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे. तो वो तो चलो कब तक, लेकिन एक टाइम के बाद तो सब लोग एक्सेप्ट करने लग जाएंगे ना. जैसे गूगल की एक्सेप्टेबिलिटी है कि हाँ जी यूज़ करते ही हैं और इवन स्मार्ट माना जाता है. जो पर्सन गूगल यूज़ करते हैं उसको स्मार्ट माना जाता है, जो नहीं करते उनको नहीं माना जाता. तो AI एक तरह से आपके लिए एक टूल है जो कि आपको कभी ना कभी यूज़ करना ही पड़ेगा. ऐसा हर इंडस्ट्री के साथ हमने होता देखा है पास में भी. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो मशीन्स के अगेंस्ट काफ़ी विरोध हुए थे कि आप जो सीविंग है ये मशीन से कर रहे हैं, जबकि हैंड वीविंग वाले जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो होमलेस हो जाएंगे. जो म्यूज़िक सीडीज़ आए थे तो लाइव परफॉर्मेंस करने वाले जो आर्टिस्ट होते थे तो पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं. अब जैसे AI इतना पीक पर आ जाएगा तो फिर कौन से नए इंडस्ट्रीज पैदा होंगे, कौन से नए जॉब्स पैदा होंगे उसमें? हमारे पास अभी से कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कि इमेज लेबलिंग है. आपको एक इमेज दी गई है, आपको बताना है कि आपको उसमें क्या दिख रहा है, उसकी आप टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं. फिर जो कैप्चा सॉल्विंग है, ये काफ़ी टाइम से जो एक जॉब चल रही है. इट्स नॉट वेरी हाई पेइंग बट इट्स अ क्लासिफिकेशन जॉब जो कि आप मशीन लर्निंग क्योंकि एग्जिस्ट करती है उसके लिए आप कर रहे हैं कि ये लेटर सी है, ये सिक्स है. नहीं तो कैप्चर्स तो ऑटोमेटिक हम जैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हम मतलब कि सॉल्व करके AI को ट्रेंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल. एक गूगल के अगर आपने पुराने वाले जो रेड कलर के कैप्चर्स आते थे जिनके अंदर आपको वर्ड्स दिखते थे एक्चुअल में, वो बुक्स के स्क्रीनशॉट्स थे. एक वर्ड ऐसा होता था जो कि गूगल को पता है कि वो क्या वर्ड है, वो आप टाइप करते थे. जो दूसरा वर्ड था वो एक अननोन वर्ड था. तो अब तीन चार लोगों से अगर सेम वर्ड को सॉल्व करवाते हैं तो स्टैटिस्टिकली आप उसको देख सकते हैं कि क्या वो वर्ड था. ये ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करके गूगल ने काफी सारी बुक्स मतलब ये दो कैप्चर्स जब आ रहे हैं तो एक एक्चुअल में कैप्चर और दूसरा आपसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जा रही है. मतलब कि उस वाले अगर कैप्चा को हम गलत भी कर दें तो गूगल कहेगा ओके, वो जस्ट हमारा आंसर सबमिट कर लेगा और हमें बाईपास कर देगा. बिल्कुल. बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशन है ये, आपसे एक तरह की जॉब करवाने का फ्री में. बट इट वर्क्स.
एक सेम इमेज अगर आप तीन लोगों को दें और आप तीनों के आंसर्स के एवरेज को देखें एवरेज तो आप को बता है। सकते हैं कि उस फोटो में बाइसाइकिल कहाँ है या रेड लाइट कहाँ है या ज़ेबरा क्रॉसिंग कहाँ है। तो ये भी एक तरह की जॉब पर इसमें हमें तो पैसे नहीं मिले ना, तो आपने कहा कि नई जॉब्स क्रिएट हुई है उसमें हमें तो पैसे नहीं मिले, तो ये क्लेवर टैक्टिक था। बट अगर आने वाले टाइम में आप एआई को और बेटर करना चाहते हैं तो आपको ऐसी जॉब्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अमेजन की एक सर्विस है, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा, शायद अमेजन ट्रांसैक्ट ऐसा कुछ करके एक सर्विस है जो कि ह्यूमंस को एक्चुअल में पैसे देती है ऐसे लेबलिंग जॉब्स करने के लिए। अच्छा, okay. तो आई वोंट से कि बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं बट कहीं ना कहीं जॉब्स इस मार्केट में क्रिएट होती है। तो आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जॉब्स में शिफ्ट होगा इस चीज़ के बेस पे कि डेस्क जॉब्स जो हैं वो AI जो लोग यूज कर रहे हैं उनको फेवर करेंगी, जो लोग AI को यूज नहीं कर रहे हैं उनका काम स्लो होगा, तो they might get out of jobs। तो इसमें वही बात, स्किलिंग की जॉब्स निकल कर आ सकती हैं, बहुत सारे AI डेवलपर्स की जॉब निकल के आ सकती हैं। आपको डेटा सेंटर्स में लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि इन AIs को हैंडल कर रहे हैं, AIs को हैंडल करेंगे, AI को डिजाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उन सब चीजों की और ज्यादा हमें नीड इसमें निकल कर आएगी। बिल्कुल, मॉडल्स आप देखेंगे कि आगे स्पेशलाइज मॉडल आते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी अभी एक जनरल मॉडल है जो कि सारा कुछ कर सकता है, कल को छोटे मॉडल्स आएंगे जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन होंगे, जैसे कि लॉयर्स के लिए एक लॉ बेस्ड मॉडल हो सकता है चैट जीपीटी का, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होगा, साइज में छोटा होगा, हो सकता है ये स्पेसिफिक आ सकते हैं जैसे मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड आ जाएंगे या और लीगल का आपने बताया कि लीगल में आ जाएगा। बिल्कुल, तो इस टाइप की चीजों की डेवलपमेंट की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ेगी। बिल्कुल, आपको इंटेलेक्चुअल्स चाहिए जो कि इन चीजों को आइसोलेट कर सके। क्या माने AI हमारी जॉब्स को खाएगा? बिल्कुल, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि AI के साथ जो आपके वर्कर्स हैं वो पहले से ज्यादा काम करें, तो जो लोग AI को नहीं यूज कर रहे जो नहीं यूज करेंगे उनको किसी ना किसी तरह का एडवांटेज चाहिए, या तो वो एक करियर स्विच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम करियर चेंज कर लेते हैं तब तो हमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज मिलती हैं कि हम कुछ अलग कर लें तो हमारा सर्वाइवल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, तो AI भी एक लिमिट तक काम कर सकता है, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वर्ल्ड में एकदम से इतने रिसोर्सेज आ जाएंगे कि आप मेटेलिक रोबोट्स क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है। हाँ, जैसे हमने चिप शॉर्टेज के टाइम देखा, कोविड के बाद जो 2-2.5 साल की चिप शॉर्टेज रही तो उसमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम हो गए थे। बिल्कुल, तो क्या AI बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है? बिल्कुल, अगर आप जो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट साथ में काम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो डेटा सेंटर्स हैं उसकी रिसेंट एक न्यूज़ थी कि समर्स में माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स ने इतना ज़्यादा लाइक रिवर्स गैलन्स ऑफ वाटर यूज़ किया सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए चैट जीपीटी के मॉडल्स को। okay. तो आप ठंडे पानी को हीट करके वापस एक रिवर में डाल रहे हैं, आपको इतना पानी यूज़ करना पड़ रहा है सिर्फ एक स्टार्टअप के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है ये ट्रेनिंग, बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन इस मॉडल को अगर ट्रेन करने में यूज़ हो रही है, आपको डेटा सेंटर में लोग चाहिए, आपको स्टैटिस्टिशियंस चाहिए, आपको इसके बाद आपको लेबलिंग कर, बहुत ही ज़्यादा रोल है जो लोग डेटा को लेबल करके डेटा सेंटर्स तक पहुँचाते हैं, आपको वो लोग चाहिए। तो ह्यूमन लेवल तक इस इंटेलिजेंस को लाना इज नॉट दैट सिंपल, आपको हर साल मॉडल अपडेट करने हैं, हर वीक आपको मॉडल अपडेट करने हैं नई न्यूज के साथ, तो इट्स नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर AI बहुत ज्यादा यूज होने लग जाए तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज हमारे फाइनाइट हैं। बिल्कुल, तो अल्टीमेटली अभी जैसे AI का हम ट्रेंड देखते हैं कि AI फ्री मिल रही है, अभी तो फ्री में हमें मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट बढ़ेगी और हमारी रीच से बाहर भी हो सकती है, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जाएगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल, आप किसी भी सेक्टर में इनफाइनाइट ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो आपने बूम देखा है ये ऐसा नहीं है कि पिछले साल की किसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का रिजल्ट है, 2000 अर्ली 2000s के टाइम में आपने देखा कि जो टेक्नोलॉजी चेस
खेलने वाले जो AIs थे जो IBM ने यूज़ किए, वही सेम टेक्नोलॉजीज के जो एडवांसमेंट्स ने इतने दूर तक AI को रिसेंट ईयर्स में लाया है, तो ये एडवांसमेंट बिल्कुल इनफाइनाइट ग्रोथ साइकिल के अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं आपको एक स्टेज आएगी जब आप और डेटा दे रहे हैं, उसके बाद भी इट्स नॉट गेटिंग एनी बेटर। ह्यूमन डेटा आपको एंड में चाहिए ही, तो इट कैन नॉट ग्रो इट ऑन इट्स ओन जब तक आप उसको ह्यूमन डेटा के साथ साथ अदर रिसोर्सेज भी उसको बहुत ज्यादा चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि एक टाइम के बाद ये कहीं रुक जाए या उसको रिसोर्सेज ना मिले जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाए और वापस से चीजें जो इवॉल्व होके आई हैं वो वापस से डिवॉल्व होने लग जाए और ह्यूमन की जो इम्पोर्टेंस है अगेन दोबारा से बढ़ने लग जाए, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो ट्रेड जॉब्स हैं उनको AI किसी भी आने वाले सालों में रिप्लेस करने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इमेज रिकॉग्निशन आप अच्छे कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ चाहिए उस पाइप को ग्रैब करने के लिए या किसी चीज़ को कट करने के लिए, वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है और इतनी क्वांटिटी में तो बिल्कुल नहीं है कि आप एक्चुअल ह्यूमन लेबर्स को उस चीज़ से रिप्लेस कर सकें। तो फॉर द टाइम बीइंग आप क्या कहना चाहेंगे कि समय के साथ बदल जाना चाहिए या हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए? अगर आपके पास एक डेस्क जॉब है जिससे आप खुश हैं तो मैं कहूँगा कि आपको AI को अडॉप्ट करना चाहिए, आपको अपने जॉब्स को ऑटोमेट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप यानी टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को बदलना ही मार्केट में रहने का और सस्टेन करने का एकमात्र तरीका है। बिल्कुल, और अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप किसी और सेक्टर में ज़्यादा खुश होंगे तो आपको बिल्कुल कैरियर स्विच करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप AI आपको आपके जॉब में आपको पीछे ना छोड़ दे। सो थैंक यू प्रयाग एंड संजय फॉर कमिंग हियर। आज की डिस्कशन बहुत हेल्दी रही, हमने डिस्कस किया कि आयरलैंड में किस तरह की एजुकेशन प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं और अगर हम आयरलैंड जाएं तो वहाँ किस तरह के कोर्सेज हम चूज कर सकते हैं, वहाँ क्या करियर पर्सपेक्टिव्स हैं और वहाँ के लोगों के क्या बिलीव्स हैं, क्या एनवायरनमेंट है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया। सो इट वॉज वेरी हेल्दी डिस्कशन। इस तरह के और पॉडकास्ट को देखने के लिए, एजुकेशन पर बेस्ड पॉडकास्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकें। और तो इसी के साथ ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।